गंदम को स्प्रे करनी थी क्योंकि गंदम में देख रहे थे कि जड़ी बूटी काफ़ी ज़्यादा उग रही है बहुत तेज़ी के साथ, तो गंदम को ये जो है बढ़ने नहीं देगी, इसकी ग्रोथ को कम कर देगी और खुद जो है वो उस पर काबू पा जाएगी। तो इसको तलफ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मुझे जो है वो स्प्रे करनी थी, तो मैंने इसके ये जो जितना भी सीन होगा ग्रीनरी का मैं आपके साथ शेयर करूँगी और साथ आपको बताऊँगी कि कौन सी जड़ी बूटी है जो गंदम को तंग कर रही है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, करीब से ही दिखा देती हूँ। ये जड़ी बूटी है, ये देखें, ये गंदम है और बाकी जो भी इसमें नीचे आपको नजर आ रहा है ये वाला सारा कुछ, ये जो है वो जड़ी बूटी है जो कि गंदम को की ग्रोथ को स्लो कर देगी। तो इसको तलफ करने के लिए मुझे करना पड़ेगा स्प्रे। तो व्यूवर्स, इतना आसान काम नहीं है जितना देखने में लगता है, काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि साथ साथ पंप चलाना पड़ता है और साथ साथ भागना भी पड़ता है। तो लेकिन इसका बेनिफिट कुछ यूं भी है कि फसल बहुत अच्छी हो जाती है, तो काफ़ी जो है वो फ़ायदा हो जाता है इसका, इसलिए स्प्रे करना ज़रूरी हो गया है। पहले ज़मानों में बिल्कुल नहीं था होता, लेकिन अब करना पड़ता है क्योंकि अगर ना करें तो जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो चले शुरू करते हैं, जो काम रह गया वो भी कंप्लीट करना, फिर घर को निकलेंगे। स्प्रे हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज का काम बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से हो गया, कोई टेंशन हुए बगैर, बारिश के बगैर, बहुत अच्छा मौसम था, धूप फुल थी और अभी शाम का वक्त है तो काम वाइंड अप हो गया। अभी मुझे घर की तरफ निकलना है क्योंकि खेतों का काम वाइंड अप हो चुका है। आजकल के मौसम में खेतों का काम ऐसा नहीं होता। अब मुझे तैयारी करनी है गर्मियों की सब्जियों की, तो उसका वीडियो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके साथ जरूर शेयर किया जाए। तो चलें अब घर को चलते हैं, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा, अपने बच्चों का, माँ बाप का बहुत सा ख्याल रखिएगा, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह हाफ़िज़।